एक्साइटेड तो थोड़ा सा मैं यूजुअली ऐसा रहता है कि अवार्ड मिलने वाला तो एक अलग फीलिंग होती है. एज आई सेड मेरे लिए बहुत इमोशनल होते हैं अवार्ड्स. सो यहाँ एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अवार्ड मिलने वाला. आउटफिट ये मेरी स्टाइलिस्ट ने जो भेज दिया पुराने तो आई एम वेयरिंग दैट एंड आई ट्राइड अगेन टू डू समथिंग डिफरेंट जो मैंने अभी तक जितने लुक्स किए हैं. सो या दिस समथिंग डिफरेंट नाउ. क्या मैं तो ऑल द बेस्ट ही बोल रही हूँ कब से एंड अभी भी ऑल द बेस्ट शिव को कि बस आग लगा दे और कुछ नहीं. आई थिंक ही इज ऑल्सो बिजी वहाँ पे अपने काम में. तो या मेरा नया आने वाला है. मैं कैसे बताऊँ यार बहुत अच्छा कुछ आने वाला है. Expecting awards, that's what we are expecting, and I think I'm getting the award for the most stylish diva of the television and the iconic businessman of year. So yeah, we both are here for that. So we would like to say thanks to Red Chilli Entertainment. Thank you so much. And the Mumbai Great Achievers Award for giving so much honor. Thank you. Yes, nomination I would say for iconic businessman of the year. I know I'm the getting award. I'm not nominated. I'm just getting. She knows she's getting an award already. The most stylish diva of television. So yeah. खतरों के खिलाड़ी का नाम सुनते ही खतरा आ गया. पता नहीं ये सब मुझे पता ही नहीं है कि कौन पता नहीं ये सब कहना चाहिए कि नहीं. माइक गिर गया. सो वी आई डोंट नो कौन खतरों के खिलाड़ी में जा रहा है बट आई थिंक खतरों के खिलाड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग शो है और बहुत मेहनत का शो है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन. टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड फॉर श्योर. सो यस nominated, I guess, more stylish, so just hoping for that. Abhi khatron ke khiladi shuru ho gaye hai. Ab mera abhi udhar koi lena dena nahi hai. Main support kisko? I mean, there is no harm. Usme koi problem nahi hai, but definitely Archana ko mera pura support hai. I am expecting a lot of masti that is already happening because of you all. But also I am expecting to meet a lot of people. Kuch apno se milenge, kuch baate karenge aur acha samay bitayenge. That is important. I am nominated. I don't know if I am nominated. I'll come to know now. But over here it's more of spending time with family. So I am very grateful to the organizers to have called me. I'm really happy. Inspector, maine aise aise sununga aapko. Haan mujhe bhi yaar bada main sach mein bataun. I'm very happy ki 3 din hue inspector Avinash ko aaye hue and people are loving it. और लोग मेरे रोल को पसंद कर रहे हैं. बलजीत के रोल को जो लुक है मेरा उसको पसंद कर रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. मैंने बहुत मेहनत करी है. मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ. इंस्पेक्टर अविनाश इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्क दैट आई हैव डन एंड आई एम रियली हैप्पी कि 1.5 साल की जो मेहनत थी मेरी वो रंग ला रही है और लोगों को पसंद आ रहा है और लोगों को लुक पसंद आ रहा है और कुछ लोग मुझे पहचान भी नहीं पाए हैं. सो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. सो दैट इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. ये मुझे नहीं सुनाई दे रहा है क्या हो रहा है. हाँ कॉमेडी का अवार्ड है. हाँ मैं बताऊँ सही वक्त का इंतज़ार करता हूँ मैं हमेशा है ना. सही खबरें सही वक्त पर आनी चाहिए. सो मुझे आई रिमेंबर कि कुछ लोग बोलते थे कि आप 1.5-2 साल बाद में काम कर रहे हो और बिग बॉस में आए हो. तो अब जब सब लोगों को पता चल गया कि मैं 1.5 साल से क्या कर रहा था तो ये ऑटोमेटिक जवाब है कि मैं कभी भी ब्रेक में नहीं था एंड आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड. हम लोग 18 सिटीज़ में ट्रैवल किया हम लोगों ने.
लोगों ने बहुत बहुत मेहनत करी है सबने. मैंने 120 दिन शूट किया इंस्पेक्टर अविनाश के लिए. तो या सो आई एम रियली हैप्पी यार. एंड जब रिजल्ट अच्छा आता है, जब लोग पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड लगता है. मुझे लगता है हाँ यार, मेहनत सफल हुई, ईश्वर की कृपा है. एक्सपीरियंस विद रणदीप हुडा इज आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव. और मैं उनको भैया बोलता हूँ क्योंकि मेरे से सीनियर है. सो रणदीप भैया के साथ में काम करके मुझे इतना मज़ा आया, इतना सीखने को मिला मुझे. वो अपने क्राफ्ट के बहुत पक्के हैं, वो अपने कला के बहुत पक्के हैं, और मैं थोड़ा सा हूँ चंचल टाइप का, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सीरियस होना सिखा दिया. सो वर्किंग विद रणदीप भैया वॉज like going back to school and learning some great craft. So I'm really really glad and I'm grateful to Neeraj Pathak sir, jinhone mujhe isme cast kiya aur Randeep bhaiya ke sath mein kaam karne ka mujhe mauka mila. Thank you.